हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। बच्चों, इस वीडियो विच आज मैं तुहानूं दसूंगी कि जो तुहाडियां परीक्षावां होनियां ने उहदे बारे जानकारी की नियम दसे गए ने, सिक्ख्या विभाग ने किस तरह लई जाऊगी परीक्षा तुहाडी। तां इस वीडियो नूं शुरू तो लैके अंत तक ध्यान नाल सुनना है। नॉन बोर्ड जमात दीआं परीक्षावां सवेरे अते शाम दो चरणों विच होणगीआं। सिक्ख्या विभाग इस संबंधी जल्द ही नवी डेटशीट जारी करेगा। सिक्ख्या विभाग ने SOP भी जारी कीतीआं हन। नॉन बोर्ड जमातां दी परीक्षा संबंधी SOP। नंबर एक, समूह स्कूल मुखिया अध्यापकां अते विद्यार्थियों द्वारा मास्क की वरतों यकीनी बनाई जाए कि सबनों मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बिना मास्क दे किसी भी विद्यार्थी की परीक्षा ना ली जाए। जिस भी विद्यार्थी ने मास्क नहीं पाया होएगा उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। नंबर तीन, किसी भी चीज़ जिमें मास्क, रुमाल, कापी, पेन, जोमैट्री बॉक्स, पानी की बोतल आदि की सांझे तौर पर वरतों ना की जाए। ये सारा समान सारे विद्यार्थी अपना अपना लेके आएंगे, किसी की सांझे तौर पर वरतों नहीं की जाएगी। नंबर चार, आपसी दूरी बना के रखी जाए। नंबर पांच, परीक्षा विच बेंच की वरतों करते समय बेंच उपर सिर्फ एक ही बच्चा बिठाया जाए, उस नाल किसी भी होर जमात का बच्चा ना बिठाया जाए। नंबर छे, जेकर उक्त हदायतों की पालना करते हुए बेंच घटते हैं तो विद्यार्थी की परीक्षा कमरिया तो बाहर वरांडे या मैदान विच ली जाए। नंबर सत्त, सरकार द्वारा जारी SOP की पालना करना यकीनी बनाना स्कूल मुखी की जिम्मेवारी है। सूचना अते लोक संपर्क विभाग पंजाब प्री प्राइमरी तो 12वीं तक दे विद्यार्थियों दी सालाना इम्तिहान की तैयारी लई छुट्टियां दा ऐलान। इम्तिहान निर्धारित डेटशीट अनुसार ही होणगे। पंजाब दे सारे सरकारी एडिड अते निजी स्कूलां ते लागू होणगीआं हदायतां। यकीनयोग है कि 5वीं दियां सालाना बोर्ड दियां परीक्षावां 16 मार्च तो, 8वीं अते 12वीं दियां सालाना बोर्ड दियां परीक्षावां 22 मार्च तो, अते 10वीं दियां सालाना बोर्ड परीक्षावां 9 अप्रैल तो शुरू होणगीआं। नॉन बोर्ड जमातां विच जिवें 6वीं, 7वीं, 9वीं अते 11वीं दे पेपर 15 मार्च तो, अते पहली तो चौथी जमात दियां परीक्षावां 17 मार्च तो शुरू हो जाएंगियां।